जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। जैसे कि दोस्तों आपसे वादा किया गया था, SSC GD के लिए स्पेशली 20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, GK GS का, जो मतलब पूरा किया जा रहा है। आपको जो क्वेश्चन अभी कराया जाएगा इसका लिंक मतलब टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और वहाँ PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं GK GS। यहाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन कहा क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिमिनल लॉ केस नहीं है। आपको एक बात बता दें, ये जितना भी क्वेश्चन है हम प्रीवियस ईयर ही आपको डाले हैं, SSC GD का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 3 सालों में कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको जितना भाग। तो एक निम्नलिखित में से कौन सा क्रिमिनल लॉ केस नहीं है, तो इसमें से देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा क्रिमिनल लॉ केस नहीं है। तो इसमें मर्डर क्रिमिनल में आ जाता है, दहेज प्रताड़ना ये भी क्रिमिनल केस में आ जाता है, और चोरी ये भी आता है। इसमें आता क्या नहीं है, तो तलाक, इसमें तलाक क्रिमिनल लॉ केस में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है महाशिवरात्रि हिंदू पर्व भगवान शिव के सम्मान हिंदू माह में कब मनाया जाता है भगवान शिव के लिए। तो ये पूछ रहा है, हिंदी का ये माह दिया हुआ है आपको, जैसे फरवरी ये सब नहीं दिया हुआ है, तो बताइए किस माह में मनाया जाता है। अंदाजा लगाइए किसमें, फागुन में। किसमें मनाया जाता है, फागुन में मनाया जाता है। ये आपसे पूछेगा कार्तिक में क्या मनाया जाता है, कार्तिक के जो महीना होता है इसमें ऊंट मेला लगता है राजस्थान में। कार्तिक के महीना में क्या लगता है, ऊंट मेला, ऊंट मेला स्पेशली कहां लगता है, राजस्थान में ऊंट मेला लगता है। उसी तरह आपसे पूछेगा बैसाख में बैसाख पूर्णिमा क्या मनाया जाता है, बैसाख पूर्णिमा। बुद्ध धर्म से किससे संबंधित है, बुद्ध धर्म से, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बैसाख पूर्णिमा अप्रैल महीना के लगभग अप्रैल मई में मनाया जाता है। इस दिन से ऐसा कहा जाता है कि नया मतलब शुरू हो जाता, जैसे बौद्ध धर्म में पहले लोगों के भागने का मुख्य रीजन क्या हो जाता था, कि बौद्ध धर्म कहता था कि हम किसी जीव का हत्या नहीं करेंगे, वो बड़ा जीव हो कि छोटा जीव हो। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा के बाद लोग भीख जो होता है वो मांगने नहीं जाते हैं। किसान तो बोलते थे इसमें कि अगर हम लोग को खेत में हल चलाना है तो हल चलाने में तो मारिए देंगे छोटा छोटा जीव के, इसीलिए बौद्ध धर्म को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो गया, एक समय आया तो बौद्ध धर्म का मतलब कम होने लगा। उसमें नियम बहुत, जो नियम लिखे गए थे बौद्ध धर्म में बहुत कठोर कठोर नियम थे, उतना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि बताइए अब छोटा जीव के अब चलेंगे चींटी का जाप के मुंह देंगे, तो ये आपके उसके खिलाफ आप क्या करिए, हत्या कर दिए, अब संभव नहीं था। इसीलिए बौद्ध धर्म आगे आने वाले दिनों में क्या हुआ, मतलब कम होते गया बौद्ध धर्म के। बोल रहा है बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, मतलब कितना अंक आप ले लीजिएगा तो जीत जाइएगा, 21 अंक कितना लेना पड़ेगा आपको, 21 अंक लीजिएगा तो आपका जीत हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन के एक खेल में होता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में यानी भारतीय सिविल सेवा कहने का मतलब UPSC क्या हो गया, UPSC भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा कौन व्यक्ति थे इसमें से जो ब्रिटिश उस समय भारत था उसमें IAS अधिकारी बन गए थे, कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ, ये सत्येंद्र होगा, हाँ सत्येंद्रनाथ, रहमतुल्ला साहनी, मतलब कौन है ये व्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, उनके ये भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं का भाई के कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये कब बने थे बाबू, 1863 में। बोलेगा ब्रिटिश भारत के दौरान और कोई व्यक्ति IAS बना था क्या, सुभाष चंद्र बोस बने थे, कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस, 1920-21 के बात है आसपास, हाँ क्वालिफाई कर गए थे, क्वालिफाई किए तभी ना आप लोग देखिए, इतने इन लोग पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि गुलामी पसंद नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के क्या जरूरी था जान गंवाना जवानी में, सोचेगा थोड़ा सा, वो चाहे कि हम देश को, इतना पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि वो चाहते कि हम अपना देश को गुलामी से मुक्त कराएं, इसीलिए नौकरी मतलब ले लिए, IAS के निकाल लिए, इनको जॉब भी ऑफर हुआ लेकिन ये जॉब को ठुकरा दिए, क्योंकि हमें जॉब नहीं चाहिए ब्रिटिश भारत में, हमें इंडिया क्या चाहिए, सिर्फ इंडिया चाहिए, ब्रिटिश भारत नहीं चाहिए, इसीलिए ब्रिटिश के खिलाफ ही क्या कर दिए, आंदोलन करना शुरू कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ये सब इन लोग को बहुत बड़ा, अगर इन लोग ऐसा काम ना करता आज हम लोग ऐसे रहते, कोई जरूरी है ये पढ़ाई हो जाता, संभव ही नहीं था, वो बोलता जबरदस्ती चलो काम कर ले सेना में भर्ती होकर, ऐसा हो सकता था। तो सत्येंद्रनाथ बोस कब बने थे, 1863 में, क्या थे, प्रथम IAS अधिकारी। आपसे पूछेगा भारत के प्रथम IAS अधिकारी कौन था,
सत्येंद्रनाथ बोस, दूसरा में कौन आ जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। आपसे बोलेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या था, इसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह, ताज का बादशाह उपनाम है इसका, बिना ताज का बादशाह। बोलेगा रहमतुल्ला साहनी, ये क्या है रहमतुल्ला साहनी? आप देखिए 1896 के कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, कोलकाता। इसमें पहली बार क्या किया गया था, खास बात याद रखें, इस समय अध्यक्ष कौन था इसका, कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था, रहमतुल्ला साहनी। इसमें हुआ क्या था, वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम गीत गाया गया था। आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, कब? 1896 में। अध्यक्ष कौन था उस समय, रहमतुल्ला साहनी। कौन था, रहमतुल्ला साहनी। बोलेगा इस गीत को गाया किसने था, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन गाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को गाया था। लेकिन आपसे पूछेगा वंदे मातरम गीत को लिखा कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखिएगा, भारत का पहला व्यक्ति, जिसे साहित्य में, क्या मिला, नोबेल पुरस्कार, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया लेकिन कब और किस पुस्तक के लिए दी, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कब मिला और किस पुस्तक के लिए इन्हें मिला। आपसे पूछेगा पुस्तक के नाम क्या था, बाबू गीतांजलि, गीतांजलि। कब मिला था, 1913 में। इनसे पहले किसी को नहीं मिला था नोबेल पुरस्कार भारतीय व्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करती है, यानी आपको प्राण बचाने का काम कौन करेगा। आप देखते हैं कभी जाइएगा हेलमेट नहीं पहनेगा तो पुलिस रोक लेती है, उसका यही है, इसी अनुच्छेद के कारण आपको हेलमेट पहनने के लिए पुलिस बोलती है, शूज पहनने के लिए बोलती है, चेक करता ना जूता हेलमेट ये सब, तो यही कारण है। तो ये किसमें लिखा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, क्या है, आर्टिकल 21 में है। इसके तहत आपको पुलिस रोक लेती है, आपका चालान काट सकती है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता के मतलब क्या है, आपकी प्राण की रक्षा करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। आप फांसी लगा लीजिएगा चौक पर, देख लेगा, आत्महत्या कर लीजिएगा, अगर कर लीजिएगा तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी, खुले में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्राइम में लिया जाता है, आत्महत्या भी किसमें लिया जाएगा, क्राइम में गिनती किया जाता है, यानी आप किस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हैं, 21 का कर रहे हैं, समझ में आ गया। आपसे पूछेगा इसमें और क्या है, भोजन का अधिकार, क्या है, भोजन का अधिकार, सभी व्यक्ति को है कि भोजन का अधिकार मिले, भोजन का अधिकार। एकरा में और क्या है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता यानी आप कोई भी अपना बात गोपनीय रख सकते हैं, आपसे जबरदस्ती कोई नहीं उगलवा सकता है, समझे ना, यही ना हुआ, निजता यानी आपका जो बात है आप रख सकते हैं, कोई जबरदस्ती आपसे पूछ नहीं सकता है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। ये तीनों वर्ड याद रखेगा, तीनों पूछा हुआ है ना, भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, तीनों के तीनों कहा आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 में। आपसे पूछेगा 19 में क्या है, बोलने का अधिकार, क्या है बाबू, बोलने का अधिकार, आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है बोलने का अधिकार। और क्या कर सकते हैं, पुतला जलाने का अधिकार, पुतला जलाने का अधिकार, आरटीआई करने का अधिकार। ये आपको अधिकार कौन आर्टिकल देता है, बोलने का अधिकार, आप कहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री की गाली देने लगना है, वैसे करिएगा तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा आपको, ठीक है, गाली नहीं देना। अब ऐसा थोड़े कि बोलने का अधिकार है, कुछ करने का अधिकार है तो प्रधानमंत्री का मुहे पर थूक दीजिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो देशद्रोही आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी अगर ऐसा कीजिएगा। पुतला देखते हैं कितना जलता है, अगर यही वर्ल्ड कप अभी हो रहा है ना, वर्ल्ड कप में अगर हार जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ना पुतला जला देगा, तो फिर बोलिएगा कल हारने दीजिए तो फाइनल मैच में। आरटीआई के मतलब क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको हक है, आप भारत के नागरिक है, आपको हक है हर एक चीज जानने का,
आपको अभी जानना है कि मोदी कितना देश में घूमा है और कितना पैसा खर्च हुआ है, आप जान सकते हैं आरटीआई लगा के। बस अर्थ 100-150 रुपया शायद आरटीआई करने का लगता है, आप लगा सकते हैं, आपको 1-1.5 महीना के अंतर्गत मिल जाएगा सूचना, ठीक है, आपको हक है, जान सकते। तो ये तीनों कहाँ है अधिकार, 19 में, कहाँ है 19 में अधिकार है। बोलेगा दोष सिद्धि का संरक्षण, इसमें क्या है, दोष सिद्धि का संरक्षण, मतलब आप कोई गलती कर दिए हैं, क्या है, आप कोई गलती कर दिए तो एक गलती की एक ही सजा आपको दिया जाएगा, इस समय ऐसा संरक्षण, मन चाहा वकील भी रख सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, मन चाहा वकील भी। इसमें बोला जाता है गिरफ्तारी से संरक्षण, 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें भी मन चाहा वकील रख सकते हैं, आपका अधिकार है, आप वकील अपने मन के योग्य रख सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा वकील रख सकते हैं। 24 घंटा के भीतर अगर आपको पुलिस कैद किया है तो 24 घंटा के भीतर कहां पेश करना पड़ेगा उसे, अदालत में, कहां ले जाना पड़ता है, अदालत में ले जाना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा इतना। तो याद रखिए 21 में क्या है, भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तीनों कहां है 21 में। आगे चलिए 19 में क्या, बोलने का अधिकार, पुतला जलाने का अधिकार और आरटीआई करने का अधिकार, ठीक है। आरटीआई बोलेगा बाबू कब आया था, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, 2005 में आरटीआई कब आया था, 2005 में। गिरफ्तारी से संरक्षण किस में, 22 में। दोष सिद्धि के संरक्षण 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है इसमें से नृत्य चारों में से जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बाबू देखिए कुचिपुड़ी, बी मणिपुर, सी भरतनाट्यम, डी मोहिनीअट्टम, कौन किया जाता है, सोच लिया होगे, कुचिपुड़ी, कौन यहाँ किया जाता है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जबकि भरतनाट्यम आपसे पूछेगा तो तमिलनाडु में, कहाँ होता है, तमिलनाडु में किया जाता है। वही आपसे पूछेगा मोहिनीअट्टम बाबू कहाँ किया जाता है, केरल में, कहाँ किया जाता है, केरल में। और केरल में कौन कौन होता है, ओनम, कौन होता है, ओनम, और कौन होता है, कथकली, क्या होता है, कथकली, इतना याद रखिएगा, ओनम, कथकली, मोहिनीअट्टम, तीनों कहाँ होता है, केरल में। अब मणिपुर तो नाम से क्लियर है, मणिपुर में कहाँ होगा, मणिपुर में, मणिपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 8 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ना, किसको बोला जाता है, चलिए गुप्त शासक आएगा तो गुप्त शासक के बारे में देख लेते हैं, गुप्त वंश स्थापना कौन किया था बाबू, श्रीगुप्त, कौन किया था, श्रीगुप्त किया था, श्रीगुप्त। बोलेगा वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, किसे, चंद्रगुप्त प्रथम को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा किसमें, आपसे पूछा क्या, भारत का नेपोलियन, ना तो भारत के नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को, किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को ऐसा कहा जाता है ना कि पूरे भारत को जीत लिया था समुद्रगुप्त, इसीलिए इसे, अच्छा नेपोलियन आपसे पूछेगा कहाँ के, ईरान के रहने वाला था, नेपोलियन कहाँ के था, ईरान के रहने वाला था, उसी से इसका तुलना किया गया, नेपोलियन जो था उसका भी सपना था कि हम पूरे भारत को जीत ले, लेकिन उसी तरह वो तो नहीं जीत पाया, लेकिन कौन जीत लिया, समुद्रगुप्त, कौन जीता, समुद्रगुप्त, इसीलिए इसे दर्जा दिया गया भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आई इतना इतना मतलब शौकीन है ना कि इसे विष्णु, ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु भगवान को पूछता था, क्योंकि बिना बजाते हुए इसे मतलब इसके सिक्के थे उस पर अंकित पाया गया है, जो सिक्का, देखिये पहले का राजा क्या था, कुछ ना कुछ अपना छाप छोड़ देता था, सिक्का से ही पता चला कि ये कहाँ के गुप्त वंश का शासक है, प्लस में ये क्या बजाता है, बीना। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि समुद्रगुप्त क्या बजाता था, बीना। उसी तरह कभी पूछ देगा कि अकबर क्या बजाता था, नगाड़ा, क्या बजाता था, नगाड़ा। कोई के शौक कुछ ना कुछ होता है ना, अरे आप लोग में भी होंगे तो कोई ना किसी को होता है, कोई गाना अच्छा गा लेता होगा, बांसुरी बजा लेगा, कोई नाच लेगा, कोई गा लेगा, ऐसा होता है कि नहीं, उसी तरह राजा भी होता है इधर, समझ में आ गया ना। आपसे पूछेगा यहाँ चंद्रगुप्त है ना, तो इसको द्वितीय कर देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रम आदित्य, चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, विक्रम आदित्य। चंद्रगुप्त कैसे देखेगा ना, बहुत बड़ा कहानी है, इसका एक बड़ा भाई था जो लोल शासक था, ये छोटा था, तो बड़ा होने के नाते क्या कर लिया था, अपना अधिकार लेके और राज पर बैठ गया था, राजगद्दी पर, लेकिन योग्य शासक नहीं था, उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, ध्रुव सामनी, उसकी पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव सामनी, और बड़ा भाई का नाम था रामगुप्त, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़ा भाई का नाम क्या था, रामगुप्त, पत्नी के नाम ध्रुव सामनी, लेकिन योग्य शासक उसका भाई नहीं था।
उसी में एक आया था शक राजा था, शक राजा ध्रुव स्वामी को उठाने आया था यहाँ पे, मतलब इसके तो ये रामगुप्त कुछ नहीं बोला, ये तो डर से मतलब दुबक के बैठ गया, लेकिन उसी तक वही निकल के कौन आ गया है? बोला कि ठीक है ध्रुव स्वामी तुम्हारे यहाँ जाएगी, लेकिन ध्रुव स्वामी की जगह कौन चला गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, औरत बन के कौन चला गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, और शक राजा को मार दिया था। गुप्त वंश को उस समय सबसे ज्यादा किसी पर से डर था, तो शक से, शक वंश का नाम है, शक से डर था, और शक को किसने मार दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार दिया, इसीलिए उसी समय इसको उपाधि मिला था विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय समझ में आएगा, पूछता है कि विक्रमादित्य का उपनाम किसे दिया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, नेक्स्ट बोला भारत में प्रत्येक कितने वर्ष पर जनगणना होती है? हमेशा बाबू 10 वर्षों पे होती है। कितना होती है? 10 वर्षों पे जनगणना होती है। 11 में हुआ था, 21 में होना था, कुछ हुआ भी लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, अब पता नहीं कब पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन भारत जनगणना आया तो बोलेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना पहली बार बोलेगा बाबू 1872 में। कब हुआ था? 1800 अंग्रेजों के समय की बात है, कब से हो रहा है? 1872 में। इस समय बोलेगा गवर्नर या वायसराय कौन था इस समय बाबू? लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। इसके बाद आया 1881, बोलेगा ये पहली बार जनगणना हुआ, लेकिन बोलेगा भारत में पहली बार नियमित जनगणना 10-10 साल पर होना कब से शुरू हुआ? भारत में पहली बार नियमित जनगणना, कब हुआ था? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। इस समय बोलेगा वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। रिपन केवल लिख देते हैं, समझ जाइए लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा 1881 से अब तक हमेशा 10-10, देखिए ना आ नहीं रहा 11, 21, 31, 41, ऐसे में चलेगा। 2001 पिछला हुआ था, समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा पहली बार कब? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में। स्वतंत्र भारत के नियमित जनगणना पूछेगा तो 1951 से, 47 में क्योंकि आजाद हुआ था तो 51 से ही ना चलेगा। ठीक है, बोल रहा है H2SO4 का एक अन्य नाम क्या है? इसमें क्या छूट गया क्या? कोई बात नहीं, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है बताइए? म्यूरेटिक अम्ल, हरा विट्रायल, नीला विट्रायल, ऑयल ऑफ विट्रायल, क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है सबके सब, है ना? H2SO4 का क्या बोला जाता है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसका एक अन्य नाम क्या है? आयल ऑफ विट्रायल। क्या बोला जाता है इसे? आयल ऑफ विट्रायल के नाम से जाना जाता है, अन्य नाम है ऑयल ऑफ विट्रायल। आपको बोलेगा म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बंगाल ग्रुप डी के एग्जाम देने गए थे, हमसे ही पूछा म्यूरेटिक अम्ल का। तो HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसे बोला जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोला जाता है? म्यूरेटिक अम्ल। आपसे पूछेगा हरा विट्रायल किसे कहा जाता है? हरा विट्रायल, Fe SO4 7 H2O। आयरन सल्फेट को क्या बोला जाता है बाबू? हरा विट्रायल या हरा थोथा। क्या बोला जाता है? हरा थोथा। उसी तरह नीला विट्रायल पूछेगा आपसे तो कॉपर सल्फेट किसे बोला जाता है? कॉपर सल्फेट 7 H2O। इसे क्या बोला जाता है? हरा विट्रायल, याद रखिएगा सब क्वेश्चन पूछता है नीला, हाँ नीला को ही तो बता रहे कॉपर सल्फेट। नीला विट्रायल को क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट चलते हैं, बोल रहा घोषणा की प्रणाली में जिसमें जो घोषणा नहीं होगा पोषण होगा, पोषण के प्रणाली होगा, गलती हो गया ये पोषण, पोषण, पोषण की प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? यानी आप उतना समझिए, मरे हुए जीव को जो लोग खाते हैं उसे क्या बोला जाता है बाबू? मृत जीवी। कहां ऑप्शन है? सी में, मृत जीवी। क्या बोलेंगे इसे? मृत जीवी, एकदम सिंपल है। यहाँ बोल दिया देखिए, किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ को जो खाता है उसे क्या बोला जाता है? मृत जीवी कहा जाता है। आपसे बोलेगा स्वयंपोषी किसे कहते हैं? स्वयंपोषी किसे कहा जाता है?
जो खुद से अपना अपना भोजन क्या करे, अपना भोजन स्वयं बनाए, अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे में क्या हो जाएगा बाबू, हरे पेड़ पौधे, क्या हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे, कोई दिक्कत? इसे क्या बोला जाता है, स्वयं पोषी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह आएगा विषम पोषी, विषम पोषी जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, जैसे मनुष्य यही मत सोचेगा हम ये अपने से तो बना के खाते हैं सुबह सब, वो वाला नहीं चलेगा। आप कहने का मतलब है ना कि दूसरे चीज को आप कतल करके खा रहे हैं, धान गेहूं आखिर काट रहा है ना, एक बार मुर्गा मटन जितना खा रहे हैं, मानव इतना बड़ा राक्षस दुनिया में कोई है ही नहीं है, कुछ हो कहा जाता है कि नहीं? अरे भले बांटा गया है शाकाहारी मांसाहारी है कि नहीं, लेकिन ज्यादा धरती पर मनुष्य आपको मांसाहारी ही दिखे है कि नहीं? मांसाहारी नहीं बोलिए, सर्वाहारी बोलिए, क्योंकि वो तो हरा चीज भी खा रहा है मांस भी खा रहा है, तो दो जो मतलब दोनों चीज को खाता है उसे कहा गिनती रखा गया सर्वाहारी में, तो ठीक है। इसमें बहुत चीज आ जाएंगे, बाघ भूख जितना आता है सब, मतलब विषम पोषी एकल पोषी ऐसे दिया है, एकल पोषी कोई नहीं होता, एक स्वयं पोषी होता है, विषम पोषी होता है, एक पोषी नहीं होता। आगे है मोहिनी अष्टम, मत छूट गया इसमें, मोहिनी अष्टम की जननी किस पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिक्शन यानी फिल्म बना है। डॉक्यूमेंट्री फिक्शन के मतलब क्या है, फिल्म बना है, यानी वो ऐसा इसमें से चार ऑप्शन में से कौन है जिस पर फिल्म बना हुआ है, वो क्या नाच क्या डांस करती है, मोहिनी अट्टम, क्या करती है मोहिनी अट्टम, कल्याण कला मंडलम कल्याणी कुटी, नाम क्या है उसका, कला कला मंडल मंडलम होता है, कला मंडलम कल्याणी कुटी इसका नाम है। ये कौन सी डांस करती है, बड़ी एग्जाम में पूछता है, आप उतना मत याद रखे, कल्याणी कुटी याद रखिए खाली, कल्याणी कुटी कौन, मोहिनी अट्टम, क्या करती है, आपसे पूछेगा शोभना नारायण क्या करती है, कथक, क्या करती है कथक। एग्जाम में इतना घुमाता है इस क्वेश्चन को, शोभना नारायण को बहुत क्वेश्चन पूछता है, शोभना नारायण किससे संबंधित है, कथक। कथक कहाँ किया जाता है बाबू, उत्तर भारत में, कहाँ किया जाता है उत्तर भारत में, जबकि कथकली कहाँ किया जाता है, केरल में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पंडा नहीं होता है, पेड़ा पेडुगु होता है ना, पेड़ा पेडुगु पेडुगा लिखा चलेगा इतना। किस राज्य में मकर संक्रांति, याद कीजिए हम लोग तो मकर संक्रांति के, मकर संक्रांति झारखंड बिहार में चलता है, खिचड़ी भी लोग बोल देता है इसे, जो 14 जनवरी क्या आता है ना मेला वाला दिन, ठीक है। तो लेकिन आंध्र प्रदेश में इसे मकर संक्रांति न कहकर क्या कहा जाता है, पेड़ा पेडुगु, क्या बोला जाता है, पेड़ा पेडुगु, तो कहा आंध्र प्रदेश, कौन हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा पेड़ा। और केरल में क्या बोलता है इसे, ओनम बोलता है, क्या बोलता है लोग, ओनम बोला जाता है। तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है, क्या कहते हैं पोंगल, अलग अलग नाम है, हर एक राज्य में जाइएगा नाम आपको अलग याद रखिएगा। पोंगल पूछता है कहाँ, तमिलनाडु में, ओनम कहाँ, केरल में, ठीक है। अधिकतर राज्य में लेकिन मकर संक्रांति ही कहा जाता है, ये कुछ कुछ है जो नाम बदल कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, दिए गए उद्योग में चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल होता है, यानी किस उद्योग, ऐसा कौन सा इसमें उद्योग है जिसमें चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट में, किसमें किया जाता है सीमेंट में, यह सीमेंट ऐसा है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट फैक्ट्री में, ठीक है। आपसे बोलेगा एक चीज याद रखिए, सीमेंट का सबसे पहले खोज कहाँ हुआ था, सीमेंट का खोज इंग्लैंड में, कहाँ हुआ था इंग्लैंड में, 1825 में, 1825 में जोसेफ स्पीडन, नाम क्या था उसका, जोसेफ स्पीडन, जोसेफ स्पीडन, विदेशी है तो सीधा सीधा नाम मिलेगा, अरुण वरुण भारत है भारत नहीं है क्या, अरुण वरुण सोनू मोनू गोलू ये सब नाम नहीं मिलेगा ना, ठीक है समझिए। बोल रहा विषम का चयन करें, एक तरह से रीजनिंग है, देखा जाए तो क्या है रीजनिंग है, आपको छांटना यहां से देखिए तो रेशेदार फसल पूछ रहा है, तो ये कौन है, कपास रबर जूट सन, इसमें से कौन है जो पाए, इसमें से बाबू देखिए रबर कौन आएगा, इसमें रबर, रबर है एक ऐसा जो किसमें पाया जाता है, सन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कपास आता है रेशेदार फसल में, जूट भी आता है और सन भी आता है। बोलेगा कपास की खेती सबसे ज्यादा कौन राज करता है, महाराष्ट्र, कौन करता है महाराष्ट्र, ऐसे गुजरात भी करता है, कभी गुजरात आगे तो कभी महाराष्ट्र आगे। कपास वैसे जगह पे होती है जहाँ काली मिट्टी हो, अपने तरफ काली मिट्टी है ही नहीं इसलिए कपास की खेती नहीं होती है, महाराष्ट्र, और कहाँ होता है गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात, किस मिट्टी में होगा बाबू, काली मिट्टी में, किसमें होगा काली मिट्टी।
याद रखिएगा, किस मिट्टी में? काली मिट्टी में होता है। जूट बताइए तो जूट किस राज्य में ज्यादा होता है? जूट, जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। किसमें? पश्चिम बंगाल। जूट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। अब इतना ही नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा जूट की खेती कौन करता है? भारत ही करता है। क्यों? क्योंकि सुंदरबन डेल्टा जो होता है ना, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। आपको पूछेगा कि जूट की खेती किसमें ज्यादा होता है बाबू? जलोढ़ मिट्टी में होता है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में किसका खेती होगा? जूट का। किसका होगा? जूट का। आपसे पूछेगा रबड़, रबड़ कहाँ बाबू ज्यादा होता है? केरला में। कहाँ होता है? केरला में। क्योंकि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र जहाँ होता है, जहाँ बारिश होती है, वहां किसका खेती होगा? रबड़ का। किसका होगा? रबड़ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से लिया गया? चुनाव की विधि आपसे पूछ रहा है। दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा ये तो चुनाव की विधि हो गया, बोलेगा आयरलैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? आपको एक बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान कितने देश से उधार लिया है। आपसे पूछेगा कितने देश से भारतीय संविधान ने उधार लिया है? संविधान में जो बातें लिखी गई है, 10 देश से। कितना? 10। जीडी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना देश से लिया है? 10 देश से। तो देख लेते हैं बाबू, आयरलैंड से क्या लिया गया पूछेगा तो, नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि देश को कैसे चलाना है, इसमें गरीबों के लिए क्या किया जाएगा, ये सब बातें कहाँ लिखी गई है? नीति निर्देशक तत्व में। इसी के तहत आपको कोटा मिलता है ना, हाँ, संविधान बनाई इसी नीति निर्देशक के तत्व के तहत आपको कोटा दिया जाता है। नहीं हो देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है कि सरकार के मन पर निर्भर करता है कि आपको देगा या नहीं देगा। लेकिन हर एक सरकार देती ही है, हर एक राज्य में तो मिलता ही है ना कोटा, जो मिलता है डीलर के यहाँ से। आपको पूछेगा यूएसए से क्या लिया गया भारतीय संविधान में? बोलेगा मौलिक अधिकार। क्या लिया गया बाबू? मौलिक अधिकार। बड़ी क्वेश्चन पूछता है ये वाला, मौलिक अधिकार वाला। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, आपात बोलेगा कि कहां से लिया गया है? आपात, आपात जो उपबंध हुए हैं वो कहां से लिया गया बाबू? जर्मनी से। आपात उपबंध कहां से? जर्मनी से। आपात मतलब राष्ट्रीय आपात लत बात नहीं, राष्ट्रीय आपात कहां? जर्मनी से। मौलिक अधिकार कहां? यूएसए से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहां? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 17 नंबर, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? आप काम के जो बदले में आपको क्या मिलेगा? भोजन। क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। ये कब आया था? 2004 में। कब आया था? 2004 में आता। आप काम कीजिए, भोजन मिलेगा। लेकिन 350 का भोजन करा देता होगा, पहले बड़ी ज्यादा गरीबी होता था। महज कितना रहता? हम अपने होश में बता रहे हैं, अपना जब से 8 घंटा हम 70 रुपए में 8 घंटा ड्यूटी किए, 8 घंटा जो ड्यूटी होता है ना 70 रुपए में किया है। आप लोग नहीं लग रहा कि कोई किए होंगे? अभी नहीं किया, हम किए हैं 70 रुपए में। उससे पहले 2000 भैया बता रहे थे, 2001-2 के बात है, 50 रुपए मिलता था 8 घंटा के, 8 घंटा के 50 रुपया। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, ये तो सच्चाई है, महंगाई तो बड़ा। पहले लोअर वोअर हमने 50-60 रुपया में ले लेते थे, सच्चाई बता रहे हैं। 150 में लोअर टी शर्ट दोनों ले लेते थे। आप जाइए तो मिल जाएगा, आप 500 लगेगा आपको। तो यही महंगा है बाबू, उधर कम था तो कम दाम भी था। ठीक है, बोला भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? यानी कि अभी देखिए, इसको समझने के लिए भाग समझना होगा। बोलेगा भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? भारतीय संविधान में भाग टोटल पूछेगा बाबू कितना भाग? 22 भाग। कितना भाग है? 22 भाग। उसी तरह चलता है, एक आता है पांच भाग, पांच में पूछेगा क्या है संघ? क्या है संघ? संघ के मतलब केंद्र सरकार। क्या होता है बाबू? केंद्र सरकार, संघ। पांच में क्या है? भाग पांच आपसे पूछेगा तो संघ यानी केंद्र सरकार, यानी राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, यही सब ना होता है।
केंद्र में देश को चलाने के लिए इन लोग के जरूरी होता है। उसी तरह भाग छह में चलिएगा तो आपको मिलेगा राज्य, क्या मिलेगा राज्य, ठीक है, यानी राज्य सरकार, क्या हो गया राज्य सरकार। तो इसमें भी आप जैसे वहां पर है सेम वहां होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ भी होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समझ में आ रहा है ना। ये बांटा गया है, क्या है, ये अलग अलग भाग बांटा गया, हर एक भाग में कुछ ना कुछ है। तो आपसे पूछेगा कि भाग पांच कहां से कहां चलता है, तो 52 से 151 कहां चलता है बाबू, 52 से 151। आपसे पूछेगा 6 कहां से चलता है, 153 कहां से चलता है, 153 से 237 कहां चलेगा, 237 ऑप्शन है, गड़बड़ा गया क्या ऑप्शन, अच्छा ठीक है हम सुधार देंगे, 237। देखिए आप ये देखेगा तो यहाँ 52 से 151 कौन सा भाग हो जाएगा, भाग पांच, वो तो आंसर जाने वाला है नहीं, आप कौन लिखे 153 से 237, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो एगो के सुधारना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 237 पूरा मिटा, 237 यानी ऑप्शन कौन होगा, 100 यानी ऑप्शन सी 153 से 237। ये राज्य सरकार के, इसमें यहाँ से यहाँ तक किसका चर्चा किया गया, राज्य कैसे चलेगा, अब 52 से 151 तक किसका चर्चा किया गया, केंद्र यानी देश कैसे चलेगा, क्या चलेगा देश कैसे चलेगा, इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित एकल नृत्य है, इसमें जो भी व्यक्ति डांस करेगा वो अकेले डांस करेगा मोहिनीअट्टम में, कितना एकल व्यक्ति, कैसा वस्त्र पहनता, श्वेत वस्त्र, कैसा सफेद सफेद कपड़ा इसमें पहनना पड़ता है, नियम ही है इसका, तो कहाँ के है बताइए, तो अभी जस्ट बताए थे कहाँ के बाबू, केरल, कहाँ के हो जाएगा केरल के हो जाएगा, बिहार के बताइए तो जट जटिन, जट जटिन, बिहिया क्या हो जाएगा, बिहिया बिहिया बिहिया, आपका कर्नाटक में पूछेगा तो बताइए तो यक्षगान क्या होगा, यक्षगान कर्नाटक में, युगादि युगादि, यक्षगान और युगादि कहाँ किया जाता है कर्नाटक में, यूपी में पूछेगा तो कजरी, यूपी में कजरी, यूपी में कौन सा कजरी, कजरी देखे कभी करते हुए, सावन का जो महीना था ना धान वाला दिन, जट जटिन इसमें पति पत्नी से रिलेटेड है, अब पता नहीं कितना इन लोग दोनों के बनता है, यही कहानी है जट जटिन में, पति पत्नी का मतलब पति पत्नी से संबंधित है जट जटिन नृत्य, हाँ डांस करता है पूजा करते हैं। आपसे पूछेगा कजरी में बहुत बड़ा झूला लगाया जाता है, झूला पर 4-5 लड़कियां इन्हें से 2 को गोड़ जोड़ा के बैठेगी और उन्हें से 2 को पैर जोड़ा के, अब बहुत लंबा रहता है, बड़ा पेड़ में लगा दिया जाता है, ऊपर तक जाती है फेंकने के बाद उधर से इधर आती है, उतना में तो गिर गई तो मरेगी। यूपी में कजरी कौन सा किया जाता है, कजरी याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा कजरी पूछता है यूपी वाला ना। लास्ट क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन मारे थे, ये उस समय का जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, है कि नहीं। आपसे पूछेगा बाबू वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला जो होता है वनडे वर्ल्ड कप, इसे क्या बोला जाता है, वनडे वर्ल्ड कप, ओडीआई भी बोल सकते कोई देगा, ओडीआई लिख दीजिए, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप ये शुरू कब हुआ था, आपसे पूछेगा ये शुरू कब हुआ था, 1975 में, कब हुआ था बाबू 1975, इस समय जीता कौन था, वेस्ट इंडीज, कौन जीता था, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है आपसे, लेकिन हम वो नहीं 83 की बात कर रहा है, तो 1983 यही है ना, 1983 में जीत किसकी हुई थी बाबू, भारत की, किसकी, भारत की, लेकिन ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये भी पूछा है क्वेश्चन, पूछा क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल जिस दिन हो रहा था उस दिन कितना मतलब रन मारने वाला सर्वाधिक व्यक्ति कौन था, एक दिन के सिर्फ पूछ रहा है, सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ या कपिल देव, सुनिएगा, जो जिस दिन फाइनल मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के हराया था भारत, उस दिन किसको हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था, समझिएगा उस दिन ज्यादा रन नहीं बना था, 183 के आसपास रन बना था, भारत ज्यादा रन नहीं बना पाई थी, जिसमें सबसे ज्यादा रन मारने वाला व्यक्ति था 38 रन कौन मारा था, श्रीकांत, कौन मारा था, श्रीकांत, सबसे ज्यादा रन कौन मारा था 183 में टोटल, हाँ इतने में जीत हो गया था, तो
फाइनल मैच के दिन इतने में जीत हो गया था। बॉलिंग उस समय बहुत अच्छा था भारत का, ऐसा थोड़ी बॉलर अच्छे थे, आप समझिए बात नहीं। आपसे पूछेगा श्रीकांत कितना रन मारा, 38, यानी सर्वाधिक रन उस दिन किसने बनाया, श्रीकांत ने बनाया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इस समय यानी 79 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था, आता है ना सीरीज का, अमर मोहिंदर अमरनाथ को प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था, मोहिंदर अमरनाथ का, ये सबसे ज्यादा रन मारा था मोहिंदर अमरनाथ, बहुत अच्छा ऑलराउंडर था उस समय मोहिंदर अमरनाथ। कपिल देव तो ज्यादा है, इस समय उस समय क्या था, कैप्टन, क्या था, कैप्टन कपिल देव, कपिल देव को क्या बोला जाता है, कैप्टन कहा जाता है, ठीक है। बोलेगा हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, ये कहां कराने वाले थे व्यक्ति, हरियाणा के, इसलिए क्या बोला जाता है बाबू, हरियाणा हरिकेन, हरिकेन मतलब क्या होता है, तूफान, क्या होता है, हरियाणा के तूफान के नाम से किसे जाना जाता था, कपिल देव को जाना जाता था, याद रखेगा, ठीक है। सुनील गावस्कर क्या थे, बॉलर, ये तो जानिए रहे, सुनील गावस्कर क्या थे, बॉलर। मोहिंदर अमरनाथ ऑलराउंडर हो गया, कृष्ण ये श्रीकांत ऑलराउंडर नहीं था, बैट्समैन नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा रन कौन मारा, यानी कि भारत कब मैच जीता, 1983 के वर्ल्ड कप और 2011 के भी वर्ल्ड कप, कब जीता, 2011 का वर्ल्ड कप, 23 में चांस तो है जीता, यानी दो बार वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। 2011 में कैप्टन कौन थे, कैप्टन पूछेगा इस समय, एम एस धोनी क्या थे, कैप्टन, कैप्टन कौन था इस समय, एम एस धोनी। बोलेगा इस समय जो 2011 जिसे पूछा है 1983 के वर्ल्ड कप में फाइनल के दिन सर्वाधिक रन किसने मारा, तो इस दिन सर्वाधिक रन किसने मारा था, कितना रन मारा था, 95 नहीं, सबसे ज्यादा रन मारा था कौन, गौतम गंभीर 99 रन मारा था, 97 रन मारा था, गंभीर कितना मारा था बाबू, 97 रन, अच्छा पारी खेले थे गंभीर, 97 रन, ठीक है। धोनी तो छक्का मार के लास्ट में जिताए थे, ठीक है। तो ये आप लोग 20 क्वेश्चन के जो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए ही चला था, ये क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर है, आप लोग जिसे विश्वास ना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े फिर उसके बाद देखे यहाँ, ठीक है। आपको हर एक डिस्कशन के साथ बताया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। आपको पीडीएफ नाम टेलीग्राम लिंक है एक्सपर्ट एकेडमी कॉम्पिटिशन, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक जय हिंद।